बात समझ आ रही है? क्वेश्चन 16 पे बात करते हैं। 16 में कह रहा है लीरॉय फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर। ये लीरॉय इसको बहुत पसंद है, बहुत सारे सवाल इसने लीरॉय के नाम से बनाए, शायद इसके बेटे का नाम होगा लीरॉय। लीरॉय का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। ही पेड रेंट ऑफ 3200 फॉर ईयर वन फॉर द ईयर 1 अप्रैल 2006 टू 31 मार्च। क्या कह रहा है भाई? हमारा ईयर एंड तो हो रहा है दिसंबर में, लेकिन हमने जो रेंट पे किया है वो कब से कब तक का पे किया है? 1 अप्रैल 2006 से लेके मार्च 2007 तक का भर दिया। आपको बताना है क्या एडजस्टमेंट चाहिए होगी ईयर एंड 2006। यार अगर आप देखो ईयर एंड हो रहा है कब, 31 दिसंबर 2006 में, लेकिन हमने रेंट कब तक का भर दिया है? 2007 मार्च का। बताओ दिसंबर के बाद कितने महीने का भर दिया? दिसंबर के बाद काउंट करो जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का एक्स्ट्रा भर दिया। तो बताओ जो 3 महीने का एक्स्ट्रा भर दिया ये प्रीपेड है या अक्रूड है? ये प्रीपेड होगा। अच्छा अब सवाल ये आता है प्रीपेड कैसे निकालेंगे? ये जो 3200 है पूरे साल का है, तो अब क्या करें, 3200 को मल्टीप्लाई कर दें 3/12। सही, जब इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 महीने का, तो ये आ जाएगा 800। 800 का प्री पेमेंट होगा, तो आंसर क्या होगा? सी। आपको पता है ईयर एंड पे जो प्रीपेड होता है वो एक्सपेंस में से माइनस हो जाता है, एक्सपेंस कम हो जाएंगे, एक्सपेंस कम हो जाएगा जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो प्रीपेड है ये बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा? करेंट एसेट्स में, अदर रिसीवेबल के नाम से। आधी बात, अदर रिसीवेबल के नाम। तो ये हो गया क्वेश्चन।